हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूं, अगर आप लोगों की भी छोटी सी उम्र में घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है या आपके घुटनों से जुड़ी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप लोग अपने लाइफ स्टाइल में ये गलतियां कर रहे हैं। अगर आप लोग इन गलतियों को जान लें और आज से ही इन गलतियों को करना छोड़ दें, तो आप लोगों को घुटनों से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ जी फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पे काफी ऐसी वीडियो डाली है जो कि हमारे घुटनों से रिलेटिव वीडियो है, यानी कि जहाँ पे हमें नसों से जुड़ी प्रॉब्लम होती है, घुटनों में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है। उन वीडियो पे मुझे काफी सारे छोटी एज वाले बच्चों के भी कमेंट आए रहते हैं कि उन्हें भी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, तो वो कैसे इन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें और उनके लिए वो चीजें सही हैं या नहीं है। तो उन चीजों को आप लोग ले सकते हैं। कोई भी अगर मैं घरेलू टिप्स बताती हूँ तो वो किसी के लिए हार्म नहीं होता है, और अगर वो हार्म होते हैं तो मैं अपनी वीडियो में क्लियर कर देती हूँ कि किन लोगों को लेना है, किन लोगों को नहीं लेना है। सो जो भी मैंने आपको वीडियो बताई है, तो आप लोग मेरी हर एक वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा कि आप लोगों के लिए वो चीजें सही हैं या नहीं है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को ये बताऊंगी कि आप लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल में कौन सी ऐसी गलतियां नहीं करनी है जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि फ्रेंड्स, आज के समय में गलत लाइफस्टाइल, खानपान और काम का अधिक बोझ होने के कारण लोग अपनी सेहत को लेकर ज्यादा सजग नहीं हैं। ऐसे में उन्हें सेहत से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर कम उम्र के लोगों में ही घुटनों में दर्द होने की समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा इसके पीछे का कारण डेली लाइफ में की गई बहुत सी गलतियां ऐसी होती हैं जिन लोगों की वजह से भी आप लोगों के घुटनों में प्रॉब्लम रहता है, दर्द रहता है, घुटनों से जुड़ी हर प्रॉब्लम आपको हो जाती है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को इससे पीछे होने के कारण के साथ इसे बचने के उपायों के बारे में भी बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कम उम्र में घुटनों के दर्द होने का कारण क्या होता है। तो सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है मोटापा। शरीर का वजन ज्यादा होने के कारण भी घुटनों पर अधिक भार पड़ता है। ऐसे में घुटनों और जोड़ों में दर्द और इससे जुड़ी समस्या होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं दूसरा जो कारण होता है वो होता है नींद पूरी न होना। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी के चलते लोगों पर काम का प्रेशर अधिक होने से वे अपनी सेहत को अच्छे से ध्यान नहीं रख पाते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जो रात भर जागकर काम पूरा करने के चक्कर में नींद पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में उनके शरीर पर बुरा असर पड़ता है। वो लोग खुद ही अपने शरीर को घुटनों और शरीर से जुड़ी अन्य बीमारियों को न्योता दे रहे होते हैं। वहीं तीसरा जो कारण होता है वो होता है लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहना। जो लोग सिटिंग जॉब करते हैं उन्हें अक्सर शरीर और घुटनों में दर्द व जकड़न की शिकायत रहती है। असल में कई घंटों तक एक ही जगह पर बैठे रहने से बॉडी में जो खून का सर्कुलेशन है वो ठीक ढंग से नहीं हो पाता है, रुकावटें आती हैं, इसके कारण घुटनों और जोड़ों में दर्द होने की समस्या पैदा होने लगती है। ऐसे में आप लोगों ने एक ही जगह पर नहीं बैठना है, बीच बीच में उठते रहना है, थोड़ा ब्रेक लेते रहना है जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम न हो। वहीं चौथी जो कारण होता है फ्रेंड्स वो होता है पानी की कमी। सही और पर्याप्त मात्रा में पानी न पीने से भी घुटनों में यूरिक एसिड जमा होने लगता है। ऐसे में ये घुटनों में दर्द करने के साथ साथ उन्हें खराब करने का काम भी करता है। वहीं पांचवा जो कारण होता है वो होता है जंक फूड का सेवन करना है। भारी मात्रा में जंक और फास्ट फूड का सेवन करने से घुटनों में तेजी से यूरिक एसिड बढ़ता है, इसके कारण घुटनों से जुड़ी काफी समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं। वहीं छठवां जो कारण इसका होता है वो होता है सही तरीके से न बैठना। अक्सर लोग एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखकर बैठते हैं, इससे उनके घुटनों पर दबाव पड़ने से उनमें दर्द होता है। साथ ही जिन लोगों का वजन ज्यादा होता है उन्हें जितना जल्दी हो सके अपनी इस आदत को बदल लेना चाहिए, नहीं तो घुटनों के खराब होने की नौबत आ सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ऐसे कारण जो हम लोग रोजाना अपनी लाइफ स्टाइल में करते हैं, जिसकी वजह से आज के डेट में हर एक बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर एक व्यक्ति को घुटने से जुड़ी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। उन सारे प्रॉब्लम का कारण यही है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने कौन से ऐसे उपाय करने हैं घरेलू, जिससे आप लोग अपने घुटनों के दर्द, घुटनों से जुड़ी हर समस्या को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने रोजाना रात को सोने से पहले गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पीना है। नहीं, अगर आप लोग के घुटनों में ज्यादा और लगातार दर्द रहता है तो ऐसे में आप लोगों ने किसी भी तेल को हल्का गुनगुना गरम करके इसे अपने घुटनों पर लगा लेना है और हल्के हाथों से मालिश करना है। वहीं आप लोगों ने घंटों एक जगह पर बैठने से बचना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग 8 से 12 घंटे तक एक ही जगह पर बैठ रहे हैं, इससे आपको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ आप लोग जो भी चीजें खाते हैं उन चीजों में आप लोगों ने कैल्शियम से जुड़ी हुई चीजें लेनी है, क्योंकि कैल्शियम हमारी शरीर की हड्डियों को मजबूत करती है। तो आप लोग जितना हो सके कैल्शियम से जुड़े हुए चीजें लें जो कि आपके घुटनों में दर्द
नहीं होने देगा, आपको घुटनों से प्रॉब्लम नहीं होने देगा। इसके अलावा आप लोगों ने सुबह शाम खुली हवा में सैर करना है, योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है आप लोगों ने भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करना है। अगर आप लोग इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं रोजाना, तो आप लोगों को छोटी उम्र में ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो चीजें मैंने आप लोग को बताई, जरूरी नहीं है कि जो भी छोटी उम्र वाले व्यक्ति हैं उनको ये प्रॉब्लम हो रही है तो वही लोग इन टिप्सों को फॉलो करें, नहीं, जिन चाहे बुजुर्ग हो, जवान हो, बड़े हो, छोटे हो, जो भी लोग भी हो, जिनको भी ये प्रॉब्लम है उन लोगों ने भी इन सारे टिप्स को फॉलो करने हैं। और जो भी मैंने आप लोगों को घुटनों से दर्द से जुड़ी या घुटनों की जो भी समस्या है उससे जुड़ी कारण बताए हैं, उन कारणों से आप लोगों ने बचना है और इन चीज़ों को आज से ही कम कर देना है। अगर आप लोग इन चीज़ों को कम करते हैं और जो चीज़ें मैंने आप लोग को बताई है वो चीज़ें लेते हैं, तो काफ़ी हद तक आप लोग अपनी हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं, अपने घुटनों को सही सलामत रख सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई आज की ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, अब मिलती हूँ मैं आपको अपने एक और नए हेल्थ वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।